कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने लॉस सैंटोस के एक बहुत बड़े लग्जरी मेंशन मिनी मद्रासो के घर से 5 लग्जरी कार्स चुरा ली थी, पर वो सारी गाड़ियां हमने अपने लिए नहीं डेविन वेस्टन के लिए चुराई थी, क्योंकि टाइम आ चुका है अपना रियल ड्रीम पूरा करने का। और वो सपना है एक मूवी प्रोड्यूसर बनना और आलीशान जिंदगी जीना, क्योंकि यार आप लोग को याद होगा कि माइकल की फैमिली भी माइकल को इसीलिए छोड़कर गई थी क्योंकि पूरे टाइम अपनी पुलिस से, मिलिट्री से, टेररिस्ट से और अलग अलग गैंग से फाइट चलते रहती थी, जिस वजह से माइकल को और साथ ही माइकल की फैमिली को बहुत ज़्यादा खतरा था। बट हाँ यार, आज से हम लोग ये सब कुछ छोड़ने वाले हैं, मतलब कि गाड़ियाँ चुराना, बैंक में चोरियाँ करना, सब कुछ आज से सारे गलत काम बंद। लास्ट टाइम हमने वो गाड़ी चुराई थी, बट हाँ वो भी क्यों चुराई थी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी मैं ऊपर बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रीड कर रहा था। ये बैनी ने लिस्ट बनाकर भेजी है नए वाले शोरूम में कौन कौन सी गाड़ियाँ लानी है, बट वो बाप का काम है, वो अब अपना सेकेंडरी काम हो गया डीलरशिप वाला। आज से अपना मेन काम है ये एक मूवी प्रोड्यूसर बनना, क्योंकि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी है और एक एक लग्जरी फील भी आएगी यार। बाकी हाँ, माइकल ने तो अपनी फैमिली को भी कॉल करके बोल दिया कि अब वो एक मूवी प्रोड्यूसर बनने वाला है, और ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश तो हैं, बट उससे ज़्यादा वो लोग शोक हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा गैंगस्टर क्रिमिनल मूवी प्रोड्यूसर कैसे बन सकता है, इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। और शायद से वो लोग ये बात सुनने के बाद घर पे माइकल के साथ रहने वापस आ जाएं। और वैसे हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने वो गाड़ियाँ इसलिए चुराई थी मद्रासो के घर से, क्योंकि यार जो मूवी का प्रोड्यूसर है डेविन वेस्टन, उसने उस मूवी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो वो कह रहा था कि तुम मुझे इतना पैसा ला कर दे दो, पर यार अपने पास इस टाइम पर बैंक में $0 हैं। तो मैंने साफ बोला, भाई हमें मूवी चाहिए बट पैसा नहीं है। तो फिर उसने हमें बोला कि भाई तुम गाड़ियाँ चुराओ मेरे लिए, वो गाड़ियाँ ला के दो और मूवी तुम्हारे नाम। तो गाड़ियाँ तो मैंने उसे दे दी है, बट मूवी उसने अभी तक मेरे नाम नहीं करी। मुझे जाना है उसकी असिस्टेंट मॉली से मिलने, वो शायद से हमें फिल्म दे देगी एंड हम लोग एक मूवी प्रोड्यूसर बन जाएंगे। वैसे मेन काम तो ये सब कुछ सोलोमोन अंकल ने करवाया, उनसे भी अभी मिलने चलना है। सबसे पहले तो मेरा हस्की, ओके मैं काफ़ी देर से इसी को ढूंढ रहा हूँ ऊपर नीचे करके, मैं कहाँ चला गया, ये यहाँ पर बैठ के आराम से सो रहा है। चलो अभी सोने देते हैं, इसे डिस्टर्ब नहीं करना, वरना तो ये पूरा दिन टीवी देखते रहता है। अपनी सारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी है, वैसे इस टाइम पे मैं भी एकदम फ्री बैठा हूँ, आराम से ऊपर बैठ के सारी मैं रीड कर रहा था। बैनी ने बोला काफ़ी सारी हमें लंबॉगनी चाहिए होगी, फरारी चाहिए, बुगाटी चाहिए, और अपना नया वाला जो शोरूम है हम लोग पूरा भर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ महंगी कार से। जो पुराना वाला शोरूम है उसमें भी सारी सस्ती कार, सेकेंड हैंड कार खड़ी करेंगे, और जो नया वाला बन रहा है ना उसमें एक भी पुरानी कार नहीं लेकर आएंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत पेमेंट और करनी है हमें उस बिल्डर को, और वो शोरूम हमारे नाम ही है, बट हाँ सब कुछ हो जाएगा। और क्या कर रहा है गार्डनर ये गाड़ी, एक सेकेंड यार, इसको इससे मत साफ कर भाई, और गंदी हो जाएगी मेरे हिसाब से तो। वैसे गाइस हाँ, मैं एक चीज़ मैंने कल नोटिस नहीं, वेट, यहाँ पे मेरी लिमोसिन थी ना यार, यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। दो गाड़ियाँ घर से गायब हो गई है भाई, मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बट जब मेरे को बाद में आता है मैंने देखा यहाँ पर से अपनी यार वो इतनी ज़्यादा महंगी कार चोरी। मेरे पास यार अभी ना इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, उन बंदों को ना मैं बाद में ठिकाने लगाऊंगा। यार ये लिमोजिन कैसे गायब होगी यार, सच्ची में वो तो बहुत ज़्यादा महंगी कार है यार, दो कार गायब होगी वो भी घर में से। कोई बात नहीं, चलो मैं यार अपनी सारी गाड़ियाँ ना कहीं और ले जाके खड़ी करूँगा, तीनों महंगी महंगी सुपर कार्स बची हुई है, इसको लेकर चलेंगे। वेट, पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ आराम से, जल्दी से चल के गाड़ी में बैठते हैं अब फटाफट से। गाइस सबसे पहले ना मैं जाने वाला हूँ एक फ़ोन ख़रीदने के लिए, क्योंकि यार जब से मैंने ये दूसरा वाला फ़ोन लिया है ना भाई, इस फ़ोन में पता नहीं क्या इसी ने एक एक करके मेरी सारी चीज़ें हैक होती जा रही है भाई, पता नहीं क्या। ओ वेट भाई साहब, गोल्डन रोल्स रॉयस, चलो कोई नहीं, इसको अपना जाने देते हैं फटाफट से। गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं आईफोन स्टोर पे और वहाँ से चलकर एक नया मोबाइल खरीदते हैं पहले। ओके गाइस लेट्स गो। तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी लंबॉगनी उरुस लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा आईफोन स्टोर पे, बस मुझे इस वाले घंटे से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। और क्या ही प्यारी ड्रिफ्ट मारी है भाई मैंने यहाँ पर। वैसे हाँ गाइस, मुझे ना यार अभी सच्ची में मिनी मद्रासो के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। एक तो यार उसने हमें इतना बड़ा घर गिफ्ट करा, और हमने यार लास्ट टाइम उसी की गाड़ियाँ चुरा ली। खैर वो सब बातें छोड़ो, भी मुझे ना जल्दी से सोलोमोन से मिलने के लिए जाना है। और आई फ्रूट स्टोर यार यहीं कहीं पर तो था जहाँ तक, ओके 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 पीछे रह गया वो रहा सामने आई फ्रूट स्टोर। जल्दी से अंदर चलते हैं और एक बढ़िया सा फ़ोन खरीद के लाते हैं। और हमेशा की तरह लॉस सैंटोस में आज भी पार्किंग की दिक्कत,
बट अच्छी बात तो यह कि यहाँ पर थोड़ा सा एरिया था, तो फटाफट से अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं। और वैसे भी हमें कौन सा ज़्यादा देर का काम है, 10 मिनट का काम है नहीं, एक ही फ़ोन में सोच कर आऊँ आज कौन सा फ़ोन हमें खरीदना है। जो फ़ोन माइकल के पास पहले था ना, जो खो गया था, सेम वही फ़ोन मैं यहाँ से खरीद के जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि और कोई घटिया फ़ोन में ले लूँ सस्ते के चक्कर में और फ़ोन दोबारा से हमारा बैंक अकाउंट हैक करवा दे। वैसे यार यहाँ पर तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया लैपटॉप्स, आईपैड, सफाई वफाई भी चल रही है, सब कुछ आ गया यार यहाँ पर। नए वाले घर में काफ़ी सारा सामान यहाँ से ले जाके लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया एकदम। वैसे हाँ, अभी मैंने सोच लिया है ये सारे वही वाले फ़ोन है ना, ओके तो ये सारे वही वाले फ़ोन है तो यही वाला परचेज कर लेते हैं जल्दी से यहाँ से। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ से अपना वही पुराना फ़ोन परचेज कर लिया है जो कि माइकल काफ़ी टाइम पहले से यूज़ करता आ रहा है। नहीं मतलब वो वाला फ़ोन है, मींस वो वाला मॉडल है यार, वो वाला फ़ोन कहाँ मिलेगा, वो तो खो गया ना। बट हाँ यार जो भी हो, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा सोलोमोन के पास और पता करते हैं कि आखिरकार जो अपनी मूवी है, माइकल प्रोड्यूसर बन रहा है उसकी मूवी है, तो भाई इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। चल कर देखते हैं आखिर मूवी पे कितना काम कंप्लीट हो चुका है। उसने बोला था लिबर्टी में थोड़ा बहुत शूट बाकी है, बाकी जो मूवी है वो ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है। बाकी लेफ्ट साइड में देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल बुगाटी जैसी लग रही है। वैसे हाँ यार अभी वो सब छोड़ो, अब भी हमें फालतू काम नहीं, अपना डीलरशिप जो है उस पर भी काम करना है। बेनी ने काफ़ी सारी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करवाने के लिए बोले तो वो भी करवाएंगे, बट उससे पहले हम लोग चलते हैं सोलोमोन के पास, क्योंकि अगर मूवी रेडी हो जाएगी ना तो माइकल की फैमिली को आज ही, वैसे उनको बोल तो दिया है माइकल ने कि अब तुम वापस आ जाओ, अब ये सब हरकतें नहीं होने वाली, बट तेरी ऐसी की तैसी ढंग से चला ले। वेट सॉरी, अभी गुस्से में नहीं आना। वैसे भी मेरे पास जितनी भी गन्स थी ना वो सारी की सारी मैंने घर पे रख दिया, मतलब कि भी लड़ाई का पंगा ही नहीं, अगर लड़ाई होगी तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, मेरे को लड़ना है ही नहीं। वैसे बातों ही बातों में हम लोग फिल्म सिटी पहुँचने वाले हैं सोलोमोन के पास। ओके गाइस, तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं रिचर्ड मैजेस्टिक्स फिल्म सिटी। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर लाते हैं। हेलो भाई साहब, सॉरी मैं उल्टी साइड से ले, रुक जाओ, ये एग्जिट है, ये एंट्रेंस है, गेट खोल दे यार जल्दी, क्या कर रहा है भाई, फोन में लगा पड़ा यार ये बंदा, बेटे इंस्टाग्राम रील बना के मारूंगा। एक सेकंड रुक जाओ यार, तुम्हारा हमेशा का रखा, क्या दिक्कत होगी, हटा इसको, ऐसे की तैसे खोल इसे, मुझे मुक्का मारा और वो ऑटोमेटिकली खुल चुका है। चलो यार फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर कोई लग रहा है एलियन वाली मूवी भी शूट हो रही है, हमेशा भाई भीड़ लगे रहते हैं इधर जो भी कहो। चलो कोई नहीं, अभी हमें रिस्पेक्ट मिलने वाले भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ी कर दे, ओ वेट वेट, हाँ तो यार वैसे वहाँ पे ले जाने की क्या ज़रूरत है, अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर एकदम आराम से पार्क कर देते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं ऑफिस में सोलोमोन से मिलने के लिए। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस मूवी को लेकर, पता नहीं कितना पैसा हमें इस मूवी से मिलने वाला है। ओके तो हम लोग आ चुके हैं सोलोमोन के ऑफिस में। काफी ज़्यादा खुश लग रहा है। I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Okay. Shut up and take a look at the associate producer Michael DeSanta. Oh, bhai! ये देखने के बाद माइकल से खड़ा नहीं होने जा रहा भाई यहाँ पे. Feels good, doesn't it? Yeah. Feels like I've finally done something with my life. Action. ये हुई ना बात। A movie. Welcome to show business. Nothing but make believe. अभी थोड़ी प्रोड्यूसर वाली फील आ रही है। Yay. All right, Michael. Come on. Let me show you some rock. पार्टी शुरू हो गई भाई। I think you're gonna love it. But let's go, guys. अब आने वाला है मजा असली। Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Oh, bhai. Let's go. ओके गाइस, तो माइकल ने भी अमांडा को कॉल करके बोल दिया है कि जो अपनी मूवी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये चाहता है कि मूवी रिलीज होने से पहले पूरी की पूरी फैमिली एक साथ थिएटर में बैठ के अकेले उस मूवी को देखे। तो अभी ना गाइस मैं थिएटर तो जाऊंगा, लेकिन अभी सीन कुछ ऐसा है कि जो मूवी है ना वो मेन पूरी की पूरी जो फाइल है उस टाइम पर अपने पास नहीं है, वो भी बंद करानी है, थोड़ी देर में आएगी। सोलोमोन कह रहा है कि मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, थिएटर भी अपना है पूरा का पूरा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सारी फैमिली बैठकर मूवी देखेगी, मींस वो बंदे आएंगे जिन्होंने इस मूवी में काम किया है। तो गाइस अभी ना जब तक हम लोग अपने बाकी पेंडिंग काम निपटा लेते हैं, तो सबसे पहले तो यार देखो मुझे जाना होगा कुछ नई गाड़ियों का ऑर्डर देने के लिए जो कि हमारे नए वाले शोरूम में आएगी, क्योंकि यार देखो प्रोड्यूसर तो हम लोग बन ही रहे हैं बट साथ के साथ अपना डीलरशिप वाला काम भी चलता रहेगा, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। बट हाँ यार
अभी अभी मुझे याद आया, मुझे सुबह सुबह बिग माफिया के भाई का कॉल आया था और उसने मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाया था ट्रैवल का जो गांव है उसी साइड पे। भाई पहले वहां पर चलते हैं, ये काम तुरंत उसके बाद देखेंगे। बट हाँ, बिग माफिया के भाई के पास तो आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यार अभी आपस में अपनी बहुत तगड़ी दोस्ती हो चुकी है। वो नॉर्थ एंगटन का मालिक बन चुका भाई पूरा, जैसे पहले उसकी बातचीत थी ना सेम उससे ज्यादा बातचीत आ गई है क्योंकि अभी एल रूबियो और ड्रैगन बॉस दोनों लोग मारे जा चुके हैं तो उसके पास कायो पेरिको आइलैंड भी आ गया है। बट लॉस सैंटोस अभी भी हमारा रहेगा। बट चलकर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है, वो हमें किसने मिलने के लिए बुला रहा है, कहीं कोई दोबारा से लड़ाई वड़ाई या फिर किसी को मरवाना तो। भाई मैं उससे साफ मना कर दूंगा कि मैं अब तेरे लिए काम नहीं करने वाला। वैसे गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग थी लास्ट टाइम जिस पे प्लेन अटैक करवाया था भाई, वो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है इस टाइम आप लोग यहाँ पर देख रहे हो गायब हो चुकी है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था वो बिल्डिंग बेसमेंट से निकली है और वापस वो अंदर जा चुकी है। और अभी लॉस सैंटोस काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है फिलहाल। हाँ जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं पहले बिग माफिया के भाई के पास और देखते हैं क्या सीन है। ओके गाइस लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं अपनी लंबोर्गिनी उरुस भगाता हुआ सीधा बिग माफिया के भाई की दी हुई लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ उससे मिलने के लिए। तो मुझे आगे वाले घर से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है। बाकी यार एक बारी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, मतलब कि यार लॉस सैंटोस में तो एकदम मस्त धूप निकली हुई है बट यहाँ पर इतना डेंजरस मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी थोड़ी देर में थंडर स्टॉर्म आने वाला है यहाँ पे। फिलहाल हाँ इस वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और गूगल मैप्स दिखा रहा है कि आगे वाले कट से यू टर्न मारना है। वेट, ये कहाँ पे बुलाना चाह रहा है मुझे बिग माफिया का भाई? मुझे लग रहा था कोई मेंशन होगा वहाँ पर आराम से रह रहा होगा ये और हमें मिलने के लिए बुला रहा है। फिलहाल वो देखो राइट साइड में एक माउंटेन लाइन जा रहा है। बड़ा यार जो भी हो ये कहाँ पे मिलने के लिए बुला रहा है और ये कहाँ पे छुप के रह रहा है भाई? क्या हो गया इसे? ड्रैगन बॉस मर चुका है, एल रूबियो मर चुका है, अभी छुप के रहने की क्या जरूरत है? नॉर्थ एंगटन जाके राज करना चाहिए इसे तो। वो देखो भाई ये कैसी सी जगह पर इसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया है, कोई स्कैम तो नहीं करने वाला है हमारे साथ? एक मिनट रुक जाओ, मैं ना आराम से आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे ना सामने की तरफ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ टेररिस्ट टाइप बंदे भी नजर आ रहे हैं, शायद से इसकी सिक्योरिटी होगी। अरे हाँ ये थोड़े बहुत जाने पहचाने लोग लग रहे हैं। हेलो गाइस क्या हो गया भाई यहाँ पर? एक सेकंड, इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वेट मैं अभी चलता हूँ इनसे बात करता हूँ, इनको बताता हूँ मैं उसका स्पेशल दोस्त हूँ और उसने खुद मेरे को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। बाकी मौसम को देखो भाई क्या ही हो रहा है। ओके गाइस तो अभी ना मेरी इन भाई साहब जी से बात हो चुकी है और इन्होंने अपनी ये वाली बाइक साइड करके बैरियर खोल दिया है और ये कह रहे हैं कि हाँ अब बिग माफिया के भाई से मींस इनके बॉस से जाके मिल सकते हो। फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ये बारिश की वजह से अपनी पूरी गाड़ी गंदी हो चुकी है भाई। ओ सॉरी नहीं इतनी भी ज्यादा डेंजरस नहीं है कार भाई, इसका साउंड इतना डेंजरस है ना सामने वाला बंदा भाई कांप जाए। मतलब अभी तो बारिश हो रही है इसलिए इतना क्लियरली साउंड आ नहीं रहा है और यार मेरे को अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है इतना सब कुछ करने के बाद बिग माफिया का भाई इस छोटे से घर में आके क्यों रह रहा है और चारों तरफ उसने इतनी तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। मतलब कोई विश्वास करेगा इस घर में रहने वाले बंदे के पास 6 रेंज रोवर है वो भी स्पेशल एडिशन? फिलहाल हाँ हम लोग भी अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े कर देते हैं। यार ये वाला पेड़ कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, मतलब एकदम सेंटर में है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। चलो यार कोई नहीं, फिलहाल वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं घर में बिग माफिया के भाई से बात करने के लिए कि आखिरकार उसने हमें आज यहाँ पर क्यों बुलाया है। सब कुछ तो हो चुका है और अभी हमें यहाँ बुलाने का कोई मतलब तो देखो यार बनता नहीं है। बट हाँ बिग माफिया के भाई ने बुलाया तो कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंट काम हो गए। तो यहाँ पे इसने छोटा सा एरिया योगा शोगा करने के लिए बना रखा है, इस साइड में कुछ डंबल्स भी पड़े हुए हैं और ये जगह कितनी ज्यादा साफ लग रही है ना भाई, बंदा योगा करते हुए बीमार जरूर पड़कर जाएगा हालत उसकी ठीक हो चाहे ना हो। फिलहाल हाँ अभी हम लोग इस प्यारे से छोटे से स्वीट होम में आ चुके हैं। बट ओके तो ये रहा बिग माफिया का भाई और उसने यहाँ कुछ नए दोस्त बना लिए क्या? ओके गाइस तो अभी मेरी बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और यार सच्ची में इसने तो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम से हमें यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। सबसे पहले तो ये देखो इसने यहाँ पर आकर कुछ नए दोस्त बना लिए हैं और उनके साथ बैठकर ये पूरा दिन यहाँ पे टीवी देखते रहता है। खैर हाँ ठीक है, वैसे हाँ इसने हमें यहाँ पर मिलने के लिए इसलिए बुलाया है, ये कह रहा है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है वो पूरा खाली हो चुका है, इसीलिए तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो पता नहीं अब ये हमें क्या ही देना चाहता है। बढ़ा यार एक बारी ना पहले हम लोग चलकर अंडर वाटर माफिया से भी मिल लेते हैं क्योंकि यार काफी ज्यादा टाइम हो गया उससे मिले हुए,
यहाँ पर एक और छोटा सा रूम है और ये देखो इस छोटे से रूम में छोटे से बेड पे ये कैसे आराम से सोया पड़ा है, वो भी पूरा लत के। यार कैसे से रह रहे हैं यार ये लोग इस छोटे से घर में। यहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिटी भी लगा रखी है इस रूम में ताकि अगर ये सो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल हाँ उसको मैं अभी परेशान नहीं करने वाला क्योंकि वो पूरे दिन जिम करते रहता है, उसे अभी सोने देते हैं। बाकी ये बिग माफिया का भाई कहाँ पर चला गया, मैं तो इसे ढूंढ रहा हूँ। अभी तक अंदर अपना बैठ के टीवी देख रहा था पर अभी नजर भी नहीं आ रहा कहाँ पर चला गया। कहीं और जाने का तो प्लान नहीं है अपना। ओके अंदर इस वाले रूम में आया हुआ वो शायद से। ओके चलकर इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस अभी ना फिलहाल बिग माफिया के भाई ने डायमंड से भरा हुआ ये पूरा का पूरा ब्रीफ केस हमें दे दिया है और ये कह रहा है कि ये तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन यार ये भी हमसे एक रिक्वेस्ट मांग रहा है कि जो भी हम डीलरशिप से मीन्स जो भी हम लोग अपने शोरूम से कमाएंगे ना उसका 10% ये लेगा जिंदगी भर के लिए। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसने यार हमें जो डायमंड्स दिए ना ये अराउंड $200 मिलियन के हैं। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसे कहाँ पर जाकर बेच रहे हैं। थोड़ी अच्छी कंट्री में बेचेंगे तो और भी ज़्यादा ये महंगे बिक सकते हैं। फिलहाल वहाँ पर ये ओके ये कहाँ हुआ है, मैं काफ़ी देर से कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, ये क्या लटक रहा है वहाँ से पूंछ जैसा। ठीक है यार फिलहाल जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। यार कसम से एक बात तो माननी पड़ेगी, बिग माफिया का भाई सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बंदा है, तुरंत पैसे निकाल कर दे देता भाई अगर इसके पास होते हैं तो। अभी इसने डायमंड्स दे दिए क्योंकि इसे मालूम था हमारा बैंक बैलेंस पूरा खाली हो चुका है और हमें सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए क्योंकि हमारा इतना बड़ा शोरूम है उसमें कार्स वगैरह लानी है। मैं काफ़ी टाइम से यही सोच रहा था कि यार बैनी ने लिस्ट तो भेज दी कार लाने की बट हम लोग लेकर कहाँ से आएंगे क्योंकि अपने पास पैसा तो है ही नहीं। लिबर्टी भी जाएंगे भले ही वहाँ से सस्ती मिलेगी बट फिर भी यार मतलब 50% ऑफ मिलती है पर नुकसान तो होना ही है ना भाई, अपने पास पैसा है नहीं। बट हाँ अभी आ चुका है हम लोग अपने शोरूम में, गाड़ियाँ भी अच्छे से भर सकते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी लंबोर्गिनी उरुस लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। पहले मैं सोच रहा था कि यार गाड़ियाँ खरीदने चलते हैं सीधा लिबर्टी बट अभी अभी मुझे याद आया कि अपनी मूवी सोलोमोन वहाँ पर लेकर पहुँचने वाला होगा थिएटर में और माइकल की फैमिली भी लॉस सैंटोस आने वाली है, सारे लोग बैठकर अपनी न्यू मूवी देखने वाले हैं। देखते हैं भाई आखिरकार वो कैसी है। ओके गाइस तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूं। एक काम करता हूं यहां से ना सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी वॉश करवा लेता हूं क्योंकि पहले तो बारिश हुई फिर सारी मिट्टी चिपक गई बट अभी वो जो सूख गई है ना उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑफ रोड ट्रिप से आ रहा है उस गाड़ी को लेकर। तो हाँ लगे हाथ हम लोग यहीं से वॉश करवा लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। $15 में अपनी गाड़ी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर 5 से 10 सेकंड के अंदर पूरी चमक के नई हो जाएगी, लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी गाड़ी को एकदम पानी से पूरा जितना गंदा है वो सारा निकाला जाएगा। एक एक प्रोसेस यहाँ पर भाई प्रॉपर होता है भाई, काश यार ये जो चीज़ है भाई जल्दी से जल्दी इंडिया में भी आए फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, क्यों चुटकियों में गाड़ियाँ साफ हो जाएगी। वैसे शायद कहीं कहीं आ गया होगा तो अगर आप लोग को मालूम है तो मुझे कमेंट में जाके वो स्टेट ज़रूर बताना। ओके तो यहाँ पर अभी अपनी गाड़ी पूरी वॉश हो चुकी है और अभी बस आए इस पर स्टीम दे के थोड़ा ब्लोर व्लोर मार के सुखा दिया जाएगा और अब देखना भाई पूरी नई लुक हो गई है गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं यार 10 सेकंड लगे हैं। लेट्स गो अभी हम लोग निकलते हैं सीधा थिएटर के लिए जहाँ पर माइकल की फैमिली एंड सोलोमोन वो फिल्म लेकर आने वाला है और भी काफ़ी सारे बंदे वहाँ पर आने वाले हैं जो कि सोलोमोन के फ्रेंड है जिन्होंने उस फिल्म में काम करा है। खैर वो सब उनका उनसे मतलब है, हमें सिर्फ माइकल की फैमिली से मतलब है। ओके गाइस लेट्स गो तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ लॉस सैंटोस सिनेमा और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा अभी तक इतना खुश था बट अभी इतना ज़्यादा उदास कैसे हो गया झटके से। तो मैं आप लोग को बताता हूँ अभी मेरी सोलोमोन से कॉल पे बात हुई थी और वो कह रहा है कि जो अपनी मूवी है ना वो फाइनल पूरी एडिट होकर लिबर्टी सिटी से आनी है। मतलब कि देखो ऑनलाइन भी हम लोग ले सकते हैं बट सीन क्या है कि जो मूवीज़ वगैरह होती है ना इसके लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसलिए वो ऑफलाइन ही मतलब उसकी जो ड्राइव है वो आने वाली है बट लिबर्टी से आने में आपको पता ही है कितना ज़्यादा टाइम लगता है। बट हाँ कोई नहीं फिलहाल हम लोग सिनेमा पहुंच चुके हैं, माइकल की फैमिली भी यहाँ पर आने वाली है, जब तक हम लोग कोई और मूवी देख लेंगे। वो जो मूवी है वो वहाँ से पता नहीं कोई तो बंदा लेकर आएगा सोलोमोन का, फिर वो यहाँ पर पहुँचेगा देन हम लोग अंदर जाकर अंदर अपनी मूवी देखेंगे। बट हाँ उससे पहले हम लोग चलते हैं थिएटर में, माइकल की फैमिली यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची है, उन्हें भी शायद आने में थोड़ा बहुत 10-15 मिनट लग जाएंगे जब तक हम लोग अंदर चल के बैठते हैं थिएटर में और देखते हैं कि अभी कौन सी मूवी यहाँ पर लगी हुई है। हमें कोई यहाँ पर मना नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पर फुल चौड़ में एकदम बिना टिकट के हम लोग घुस चुके हैं क्योंकि अभी हम लोग सोलोमोन के फ्रेंड हैं और यहाँ पर हम लोग मतलब कि सभी लोग हमें जानने लग जाएंगे।
फिलहाल थिएटर बंद पड़ा हुआ है, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे अंदर आने दिया ना, भाई बिना कुछ बोला भी नहीं किसी ने, पूरा थिएटर इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेले अंदर आ गया हूँ, शायद से अभी कोई भी मूवी का टाइम नहीं है, थोड़ा ना पहले बाहर चल के ना एक बार टाइम वाइम देख कर आता हूँ, उसके बाद हम लोग अंदर आएंगे, कौन सी मूवी कितने बजे यहाँ पर चलने वाली है। वही मैं कहूँ यार, पूरा थिएटर खाली पड़ा हुआ है, वो भी लॉस सैंटोस का, इम्पॉसिबल है भाई। अगर कोई मूवी लगती है ना, यहाँ पे पॉपकॉर्न की लाइन में ही लगे रह जाएंगे, नंबर नहीं आ पाएगा। फिलहाल ना मैं काम करता हूँ, यहीं पर आराम से खड़े होके ना पहले मतलब कि माइकल की फैमिली के आने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी मूवी कितने बजे की है, फिर उसके बाद टिकट लेंगे। पता चला टिकट ले ली और माइकल की फैमिली लेट हो गई, फिर मूवी भी मिस हो जाएगी और काम भी खराब हो जाएगा। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल माइकल की फैमिली यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आ रही है, बट एक चीज तो मैंने सोची नहीं कि आखिरकार अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर वो लोग आते हैं तो उन्हें हो सकता है रेस्टोरेंट जाना हो या फिर मूवी भी देखनी है, तो उसके लिए भी हमें टिकट्स तो लेनी ही पड़ेगी ना, बट अपने पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इस टाइम। मुझे एक बार अपने बैंक अकाउंट में देखना पड़ेगा कितना पैसा हमारे पास, कितना टोटल बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ $1,000 बच्चे। कुछ पैसों से मैंने मोबाइल ले लिया था यार, कोई बात नहीं, आज का दिन हम लोग जैसे तैसे $1,000 में निकालते हैं, क्योंकि यार देखो थोड़ी दिन की बात है, उसके बाद हमारे जो डायमंड्स है वो भी बिक जाएंगे और जो डीलरशिप है वो भी हो जाएगी और प्रोड्यूसर बनने वाले हैं तो वहाँ से भी ढेर सारा पैसा आने वाला है। फिलहाल एक बार उनसे कॉल करके पूछता हूँ आखिरकार ये लोग कहाँ पे रह गए हैं भाई, इतनी ज्यादा देर हो गई। हेलो एक सेकंड भाई साहब, ये लोग कौन है वैन लेके आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, ये दोनों बाउंसर्स ने मुझे पकड़ कर अपनी गाड़ी में डाल दिया। हेलो, तो गाइस अभी ना फिलहाल इन दोनों लोगों ने मुझे किडनैप कर इस वैन के अंदर लाकर बैठा दिया है, और अभी पता नहीं ये लोग अपनी वैन चलाकर मुझे कहां पर लेकर जाने वाले हैं। हेलो भाई साहब, अभी मैं कसम से बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं, मुझे कोई आईडिया नहीं है ये किसके बॉडीगार्ड्स हैं, और इनके पास यार दोनों लोग के पास तगड़ी तगड़ी गन्स है, और इन लोगों ने मुझे साफ साफ बोला है कि अगर तूने ऊपर देखने की कोशिश भी करी तो यहीं कहीं तुझे मार डालेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अभी हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि मेरे पास एक भी वेपन्स यानी एक भी गन नहीं है, मैंने सारी गन घर पर रख दी थी, वरना तो मैं इन दोनों लोग का ना, इन दोनों का क्या, इन चारों लोग का मुंह तोड़ डालता। भाई साहब पता नहीं अब ये लोग मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं, मेरे साथ क्या ही होने वाला है भाई, कसम से मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओ भाई हेलो, सबसे बड़ी दिक्कत जो डायमंड का ब्रीफ केस हमें बिग माफिया के भाई ने दिया था, वो भी शायद से वहीं पर गिर गया है, या फिर इन लोगों ने छीन के अपने पास रख लिया, बट हाँ वो ब्रीफ केस अभी अपने पास नहीं है। यार क्या ही गंदी तरह हम लोग फंस चुके हैं भाई इनके ट्रैप में। तो ओके गाइस, अभी ना इन लोगों ने मुझे किसी बहुत ही डेंजरस से सीक्रेट बंकर के अंदर लाकर बंद कर दिया है। यहाँ पे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड और बंदों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे वैन में बेहोश कर दिया था, और उसके बाद जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं सीधा यहाँ पर था, और एक सेकेंड ये अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड, इसने हमें किडनैप करवाया, वो भी मिनी मद्रासों के साथ मिलके। भाई ये लोग क्या करना चाहते हैं, कसम से मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ जिस तरीके से ये लोग मेरे से मिलने आए हैं मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा था ये मर गया है, बट अभी ये रेंच लेके शायद मुझे मारने के लिए आया है। तो गाइस देखो, अभी ना हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि मिनी मद्रासो को और अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आप लोग को याद होगा कि जब ये ढगन बॉस की पार्टी में आया था उस बड़े वाले बिल्डिंग में, तो हमने वहाँ पे ढगन बॉस को मरवाने के लिए उस बिल्डिंग में प्लेन ला के क्रैश करवा दिया था, और इसको लग रहा है कि वो प्लेन हमने इसको मरवाने के लिए क्रैश कराया था, जबकि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। और ये सोच रहा है कि वो जो बड़ा वाला शोरूम है ना जो हमने इससे खरीदा था, उसकी पेंडिंग पेमेंट हमें ना करनी पड़े और वो शोरूम हमारे नाम हो जाए, बट यार ऐसा सीन नहीं है। फिलहाल अभी इन लोगों ने मुझे बहुत गंदी तरह मारना शुरू कर दिया है, वो भी अलग अलग वेपन्स लाकर ये लोग यहाँ पे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं भाई बहुत गंदी तरह। और साथ ही मिनी मद्रासो कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हें इतना बड़ा मेंशन दिया और उसके बदले तुमने मेरी सारी गाड़ियाँ चुरा ले। यार वो गाड़ियाँ मैंने अपने लिए नहीं चुराई थी, बट हाँ चोरी तो हमने ही करी थी, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये लोग मुझे छोड़ने वाले हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है, और मैं किस जगह पे बंद हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, बाहर सिक्योरिटी भी बहुत है। तो गाइस देखो, अभी ना कॉन्टिन्यूसली आधे घंटे तक पीटने के बाद वो लोग मुझे इस रूम में छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोग तुझे अपने हाथों से नहीं ढगन बोस और एल रूबियो के हाथों से मरवाएंगे। इसका मतलब वो दोनों लोग अभी भी जिंदा है, वो बिल्डिंग ब्लास्ट से बचकर वो लोग निकल गए थे वहाँ से।
भाई अभी ना मुझे कुछ भी कर करना यहाँ से निकलना होगा। वैसे एक बात अच्छी है, वो लोग ना जाते जाते इन्हें भी बोलकर गए हैं कि तुम भी इसे मारना मत। इसका मतलब मैं इनसे पंगे वंगे लेकर यहाँ से निकल सकता हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ये लोग मेरे ऊपर एम करके बैठे हुए हैं। भले ये लोग मुझे जान से ना मारना चाहे पर पैर या फिर हाथ वाथ पे तो बुलेट मेरे भजा ही सकते हैं। मैं काम करता हूँ इनके आगे ना ऐसे एक्टिंग ही नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ से मतलब कि इनके आगे उल्टी सीधी एक्टिंग करता हूँ, ताकि इनको लगे कि भाई इस बंदे को थोड़े बहुत चक्कर वक्कर आ रहे हैं। भाई ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, एम एक बार इन्होंने मेरे ऊपर से हटा लिया ना तो काम एकदम मस्त हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक सेकेंड, तो ये देखो गाइस अभी ना मैंने अपने हाथ में ये रेंच ले लिया है, उम्मीद है उसको नहीं दिखा होगा। इसको वापस मैं अंदर रख लेता हूँ और इनके आगे ना थोड़ी बहुत ऐसे एक्टिंग करके दिखाता हूँ कि हाँ भाई जैसे मुझे सच्ची में ही बहुत गंदे वाले चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे सर पे और दांत वांत तोड़ दिया। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ रेंच मारा है, ये क्या कर रखा भाई इन लोगों ने। तुमने अगर मुझे मारा तो मेरी मदरासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और अभी टाइम आ चुका है यहाँ पर असली ताकत दिखाने का, मार कैसे रहे बे, मना करके गया ना वो। फिलहाल हाँ अभी मुझे यहाँ से AK-47 मिल चुकी है, भले इसके अंदर एमो थोड़ी बहुत कम है बट अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। भाई वो लोग ने बाहर से गोलियां चलाना स्टार्ट, मुझे गाइस जल्दी से जल्दी यहाँ से एस्केप करना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जो भी ओ तेरी सामने यहाँ पर एक बंदा था उसको भी मैंने मार डाला है, और वो देखो वो सामने से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है ना। वेट अभी मैं इसके एक बचाता हूँ। लो भाई इसको तो मैंने डाउन कर दिया, बट वहाँ पर एक बंदा और है, इसको भी मैंने मार डाला है। भाई साहब दो दो तीन तीन बॉडी गार्ड्स यहाँ पर इन्होंने बिठा रखे हैं, तो कैसे से बंकर के अंदर मुझे लाकर इन्होंने बंद करा है। सिर्फ और सिर्फ 15 एमो मेरे पास बची है, काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। तो यार यहाँ पर भी एक बॉडीगार्ड है, इसको भी मैंने एकदम मस्त मार के डाउन कर दिया दोनों के दोनों को। और यहाँ पर एक भाई सब्जी हो रहा है, चलने के लिए यहाँ से कहाँ पर ध्यान है भाई तेरा, स्नाइपर लेके। वेट 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 वेट, एक शॉट भी इसने मेरे मार दिया ना तो मैं डाउन हो सकता हूँ। बाकी हाँ इसको मैंने यहाँ से मार दिया है। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पे यार मुझे वो, ओ वेट इस तरफ पे एक बंदा हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो पहले पीछे जाना पड़ेगा। मेरे को एक और यहाँ पर गन मिल चुकी है, ओ वेट भाई साहब इसमें करंट था क्या, एक सेकेंड। तो गाइस देखो अभी ना मुझे सोच समझ के यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, शायद से बाहर निकलने का जो सीक्रेट रास्ता है ना वो यही है। फिलहाल सामने की तरफ में भी एक बंदा था, मैंने इसे डाउन कर दिया है। यहाँ पर उत्तरी भैंस की, ये तो एकदम रख रख के मुझे मारने लग गया है, और अब आ बैठा तू बहुत देर से चोड़ में बैठा हुआ है ना। लेट्स गो, इसको भी मैंने एकदम मस्त तरीके से यहाँ पर डाउन कर दिया। तीनों के तीन बंदे मारे जा चुके हैं, और यहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया शॉट गन्स भी पड़े हैं, और यहाँ पर तो कोई भी बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। फिलहाल मैं गन्स ले लेता हूँ पहले। ओके गाइस तो अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ से ये शॉट गन ले लिया है, अब फटाफट से ना मैं धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास 4 से 5 अलग अलग वेपन्स है, शॉट गन है, SMG है, असॉल्ट SMG है, बट मेरे पास उनके अंदर बिल्कुल भी एमो नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ढेर सारा पैसा और ढेर सारा गोल्ड, पूरी गोल्डन मंकी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है भाई। वेट लेकिन यार अभी मुझे ये सब लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले भाई यहाँ से निकलना है और अपनी जान बचानी है भाई यहाँ से निकल के, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ जाएगी। यहाँ पर एक बंदा और बैठा हुआ है, वेट अब पड़िया भाई इसके, कितनी गंदी तरह चुप के बैठा हुआ था ये यहाँ पर। ले यहाँ से निकल, अब बाहर निकलते हैं भाई। तो यार देखो मुझे ना अच्छे से एकदम सोच समझ के इस जगह से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि बाहर और भी बॉडीगार्ड्स हो, और ये मैं किस जगह पे हूँ। हेलो ये अपना लॉस सैंटोस ही तो है, मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये लोग मुझे लिबर्टी वगैरह लेकर ना आ गए हो। ओ भाई सब ये देख रहे हो कैसी सी सीक्रेट जगह में इन्होंने मुझे बंद कर रखा था। और अभी इस जगह से मुझे याद आया यार ये तो मिनी मद्रासियों का घर ही है ना। ठीक है अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो CCTV है ना मैं इसे बंद कर देता हूँ। वो सामने और बंदे आ गए, वेट यार अभी हम लोग बहुत गंदी तरह फंस सकते हैं। मेरे पास बुलेट्स भी नहीं है यार ज़्यादा अपनी गन में, इसको मैंने मार दिया यहाँ पर से। जल्दी से गाइस मैं यहाँ से ना आगे बढ़ता हूँ वरना बहुत बड़ी गड़बड़ जाएगी। लेट्स गो इसको, भाई पीछे की तरफ में तो काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे बंदे। भाई ओ भाई भाई भागो भागो, अभी मुझे यहाँ से ना सबसे पहले तो कवर लेना पड़ेगा वरना ये जिस तरीके से मुझे मार रहे हैं ना मुझे नहीं लगता कि भाई मैं यहाँ से बच के निकल पाऊँगा। बहुत ज़्यादा ही बंदे यहाँ पर लाइन से आ रहे हैं, रुक जाओ शॉटगन निकालता हूँ। अभी टाइम आ चुका है एक एक बंदे को मारने का, क्योंकि भाई सबको एक साथ मारने के लिए चाहिए होगी असॉल्ट राइफल जो कि ऑटो पे चले, बट अपने पास है तो, पर उसके अंदर एमो नहीं है। फिलहाल हाँ जितने बंदे थे ऑलमोस्ट हमने सबको मार के डाउन कर दिया है। स्नाइपर है मेरे पास, स्नाइपर इस बंदे के लगेगी ना तो मजा ही आ जाएगा। लेट्स गो इसको मैंने मार दिया, थोड़ी सी SMG बजाते हैं बट ये रीलोड भी तो नहीं है। चलो कोई नहीं इनसे मिल जाएगी, निकल यहाँ से, मेरे को निकलने दो भाई यहाँ से वरना भी बहुत गलत सीन हो सकता है। कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो बहुत। ओ तेरी सामने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक कार खड़ी हुई है, और सामने की तरफ में भी कुछ कुछ बंदे मुझे नज़र आ रहे हैं उस साइड पे भी। जल्दी से इस गाड़ी में बैठता हूँ और फटाफट मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा गलत हालत हो चुकी है मेरी, रुक जाओ गाड़ी स्टार्ट हो जाइए प्लीज़ यार। ओके गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे अभी इन लोगों ने ऊपर से मारना स्टार्ट कर दिया। वेट ओ
ऊपर से नहीं, शायद ये लोग मुझे पीछे से ये मार रहा है। वही मैं सोचू मार कौन रहा है मुझे इतनी देर से। सबसे पहले ना गाइस अपनी गाड़ी को मैंने यहाँ पे छुपा के खड़े कर लेता हूँ ताकि ये लोग मुझे देख ना पाए, और जल्दी से ना गाड़ी का जो हुड है वो लगा लेते हैं ताकि हमें एटलीस्ट ऊपर से थोड़ा बहुत कवर मिल पाए। इतनी जोरों की बारिश हो रही है ना भाई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गलत सीन। निकल यहाँ से, अपनी गाड़ी भी स्लिप मारेगी जो कि यार अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। बट एक सेकेंड, ये वाला रास्ता तो इन लोगों ने बंद कर रखा है पूरा ही। रुक जाओ, मुझे यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा भाई, दूसरे रास्ते से जाना होगा क्योंकि अभी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हो रखा है। यहाँ पर भी बंदे हैं, और वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ से एक मिनट, रुक जाओ, यहाँ से मेरी गाड़ी बाहर निकल जाएगी। बाय बाय, निकल गया मैं। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी इन्होंने लगा रखी थी, फिर भी मैं यहाँ से बच के जा चुका हूँ। बट हाँ यार, बहुत ज़्यादा ही गलत सीन है अभी तो। मुझे बहुत तेज अपनी गाड़ी यहाँ से भगानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ ना, ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक वही बंदा है जो इस टाइम पे हमें इस बेकार सिचुएशन से बाहर निकलवा पाएगा। ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाता काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ उस जगह से, और अभी ना मैंने ड्राइवर को भी कॉल कर दिया है और उसको मैंने अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दिया है ताकि वो मुझे जल्दी से जल्दी आके मिले, क्योंकि यार अभी ना मुझे उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। भाई डगन बोस और एल रूबियो लॉस सैंटोस के एक होने यार, ये उन दोनों के और बॉडीगार्ड्स यहाँ पे गाड़ी में बैठ कर आ गए हैं। मुझे ना भाई अभी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। काश यार ड्राइवर जल्दी से जल्दी आए और हमसे मिले, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ मद्रासों के बेटे के बॉडीगार्ड्स हैं, पर जब यहाँ पर एल रूबियो के और डगन बोस के बॉडीगार्ड आएंगे तो यार बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा। फिलहाल हाँ, अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर ना किसी पतली सी सीक्रेट गली में आ गया हूँ, पर ये जो बाहर निकलने का रास्ता है ये शायद से वहीं पर जाता है। और काश यार वो लोग ना यहाँ से चले गए हो, इस तरफ में एक रास्ता और जा रहा है। फटाफट से ना मैं अपनी गाड़ी जो है यहीं से बाहर निकाल लेता हूँ। अब फटाफट से यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और एक सेकेंड, ये लोग तो मेरे से पहले यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बिट इनको भाई, ये गंदी तरह, एक मिनट रुक जाओ, ये लोग यहाँ से नहीं ला पाएंगे। पटरियों के बीच में से अपनी गाड़ी निकाल दूंगा। भाई 5 से 6 बंदे उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं मुझे मारने के लिए। मैं भाई पतली पतली गलियों से इस ज़्यादा सही था, क्योंकि उनके पास एक बड़ा ट्रक है और वो लोग अगर आएंगे तो मुझे छोड़ने नहीं वाले किसी भी कीमत पे। एक काम करता हूँ, ये वाला रास्ता कहीं तो जा रहा है बड़ी अच्छी जगह पे। ओके वो भाई 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 वेट, मेरी गाड़ी एक पत्थर में अड़ चुकी है, यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे। मुझे अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। यहाँ से अपनी गाड़ी हम लोग मोड़ते हैं। और भाई क्या कैसी सी जगह है यार, ये थुके जा रही है अपनी गाड़ी बार बार। लेट्स गो, यहाँ से अपनी गाड़ी मैंने बाहर निकाल लिया है फटाफट फटाफट। भाई ये काफ़ी अजीब जगह पर आ गया हूँ, और एक तो बारिश भी आज ही होनी थी क्या यार, इसके चक्कर में अपनी गाड़ी के टायर जो है ना बहुत गंदी तरह स्लिप हो रहे हैं। भाई मुड़ भी नहीं पा रही यार गाड़ी सही से, एंड अभी शायद से वो लोग पीछे रह गए। एक बारी में देखता हूँ, नहीं यार उनकी गाड़ी अभी भी यहाँ पर आ रही है। भाई मुझे भगना होगा यहाँ से, वो लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी गाड़ी का कोई तो टायर ना जाम हो गया है, वो ढंग से घूम ही नहीं रहा। भाई मैं उतर रहा हूँ इस गाड़ी से। ओके गाइस, तो भी ना फिलहाल जल्दी से ना हम लोग इस एरिया से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं ना गाइस, वो लोग भी अपनी गाड़ियाँ और पूरी की पूरी फोर्स भर के यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये कौन आया? ओके भाई, ये ड्राइवर हमेशा की तरह इसने फालतू एंट्री करी है और गाड़ी लाकर सीधा सामने ठोक दिया। लेकिन यही एकदम मस्त मौका है चलकर उन लोगों को निपटाने का। सामने एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओ भाई, इन्होंने हमारी गाड़ी फोड़ डाली। रुक जाओ, अभी ना हमें इस बंदे को डाउन करना पड़ेगा सबसे पहले। ओ तेरी भाई, यहाँ पर ये लोग पहुँच चुके हैं। रुक जाओ, और ये भाई वेट, ये लोग मिनी मद्रासों के बॉडीगार्ड्स नहीं है। अभी ना मेरे को ड्राइवर को भी अंदर ही बुला लेना चाहिए, क्योंकि बाहर तो यार सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं। फटाफट से ना गाइस हम लोग धीरे धीरे अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है। एकदम मस्त फायर करते हुए मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। ओ भाई, पूरी की पूरी फोर्स बिठा रखी है भाई उन लोगों ने यहाँ पे। एक मिनट, ये सिलेंडर मैं पूरा फोड़ डालता हूँ। ये गया, अभी इनकी बैंड बजने वाली है। भाई कुछ ज़्यादा ही बंदे यहाँ पर आ रखे हैं, मुझे तो भाई कवर ले लेके इनसे फाइट करनी होगी, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं तो एकदम मस्त ऊपर चढ़ के बैठ गया हूँ। ड्राइवर को भी कहीं ना कहीं कवर ले लेना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। सामने काफ़ी ज़्यादा बंदे आ चुके हैं। काश यार अपने पास ग्रेनेड होते, एक घटिया सी गन है उसमें भी ज़्यादा एमो नहीं है। और एक बार आप लोग सामने देखो तो भाई कितने ज़्यादा, यार एक मिनट तो देखो ऊपर ना कहीं पे बाहर निकलने का रास्ता लग रहा है मेरे को। अगर हम लोग यहाँ की कोई दूसरी एग्जिट हो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई इधर बहुत ज़्यादा बंदे आ गए हैं, कोई और बॉम्ब वगैरह लेकर रुक जाओ, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर कवर ले लेते हैं। भाई साहब इतने सारे बंदे इतने कम टाइम में कैसे पहुँचा दिए भाई ये डगन बॉस ने यहाँ पे? इतनी देर में तो वो लॉस सैंटोस भी नहीं आ पाएगा यार, जितनी देर में उसके बंदे यहाँ पहुँच गए। फिलहाल हाँ अभी जल्दी से ना गाइस हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हैं,
ये एक रास्ता है यहाँ से एग्जिट करने का, अगर ओ तेरी नहीं, यहाँ पर भी काफी सारे बंदे। वेट, इस रास्ते से हम लोग किसी कीमत पे बाहर नहीं निकल सकते। सामने भी एक बंदा है जिसको भी मैंने डाउन कर दिया है। यार एक काफी ज्यादा घटिया SMG लेकर मैं घूम रहा हूँ। वेट भाई, ये सारे एरिया में पूरा लावा है, इससे टच भी हो गए ना तो अपनी पूरी पीठ जल जाएगी। और कोई तो बंदा ना मुझे ऊपर से मारने की कोशिश कर रहा है। वेट, ट्रैवर को हम लोग आगे बढ़ने देते हैं क्योंकि इसका निशाना कुछ ज़्यादा तगड़ा है और ये बंदे भी इजीली देख लेता है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल ट्रैवर भी यहाँ पर आ चुका है और ऊपर से काफ़ी सारे इनके बॉडीगार्ड्स भी आ गए हैं और अभी ना हमें उन पर कम फोकस करना है और यहाँ से ना धीरे धीरे आगे बढ़ना है क्योंकि हमें एक दूसरा रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का मिल चुका है। जल्दी भाई, किसी एक को भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले। यार मेरी वो वाली गन की तो पूरी ख़त्म हो गई, बट अभी मुझे यहाँ पर एक इस सोल्जर की मुझे यहाँ पर ये M249 मिल चुकी है। और इस जगह पर तो यार आगे बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि भाई नीचे काफ़ी ज़्यादा, ओ तेरी भाई, अभी ट्रैवर नीचे लावा में गिरते गिरते बचा बहुत। ओ तेरी, पीछे भी एक बंदा है, वो सीधा नीचे चला गया था और अगर बाय चांस वो लावा में चले जाता तो भाई राख भी नहीं मिलने थी उसकी। हमें दूसरी उसके पीछे वाली साइड से घूम के आगे आना पड़ेगा क्योंकि मेरे हिसाब से यही यहाँ से बाहर निकलने का एकदम मस्त रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हैं। फिलहाल ट्रैवर भी अपना भाग कर एकदम मस्त आ गया है। हमें यहाँ पर ऊपर जाने की सीढ़ी तो मिल गई है, बट कोई ना कोई तो हमें मारने की कोशिश कर रहा है नीचे से। फिलहाल उसको इग्नोर कर करना। ओ तेरी भाई, नीचे कितने सारे बंदे हैं, इस जगह पर हमें करंट तो नहीं लग जाएगा ना, पता नहीं क्या ही हो रहा है इधर। ओ सॉरी, ड्राइवर था भाई, ये अलग ही डरा रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। शायद ये रास्ता हमें यहाँ से बाहर जरूर निकाल देगा कोई अलग रास्ते से, क्योंकि ये लोग भी तो किसी दूसरे रास्ते से यहाँ पर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ना। गन मैंने अपनी रीलोड कर लिया है, सामने जो बंदा दिखा था उसके भी एकदम मस्त वाला हेडशॉट मैंने बजा दिया। लेट्स गो, फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। आखिर इनको भी दिखा देंगे कि इनकी सिक्योरिटी तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। चलो भाई, ड्राइवर को आगे बढ़ने देते हैं अभी क्योंकि हमें थोड़ा सा रस ही होगा। अपनी गन को एकदम मस्त रीलोड वगैरह कर लेते हैं। वेट, नीचे से कोई मार रहा है, निकल यहाँ से, हमें मारेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे भी काफ़ी सारे बंदे हो सकते हैं। चुपचाप नीचे, ओ वाओ, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, बट शायद से बाहर भी काफ़ी सारे बंदे। रुक जा, मैं देखता हूँ इसको। एक सेकेंड, कौन है भाई? ओके, ही ड्राइवर ने पहले ही मार दिया। चलो ये भी ठीक है। नीचे हमें एक गाड़ी मिल गई है, फटाफट भाई इस वाली गाड़ी पे बैठ कर हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। भाई कोई तो बंदा बम, ओके ड्राइवर ने इनके ऊपर भाई ग्रेनेड मारना स्टार्ट कर दिया। लेट्स गो, फटाफट हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। अभी जल्दी से ना हमें यहाँ पर इस गाड़ी में बैठ कर निकलना होगा क्योंकि भाई अभी ये लोग एक के बाद एक आते रहेंगे। जल्दी, ओले भाई ड्राइवर ऊपर से गिर गया। वेट, सामने एक बंदा है, इसके भी मैंने मस्त एकदम बजा दिया। ओ बस गाड़ी फूट जाएगी भाई। हेलो ड्राइवर भाई, बम फेंक रहा है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। चुपचाप से ना किसी सीक्रेट गली के थ्रू मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को निकाल लेता हूँ ताकि कोई हमें देख भी ना पाए और हम लोग इस जगह से ईजिली एस्केप भी कर लें। लेट्स गो, अपनी गाड़ी को मैंने यहाँ से निकाल दिया है और ड्राइवर ने ग्रेनेड मार मार के पूरे एरिया ही फोड़ डाला है। लेट्स गो, फाइनली हम लोग इस जगह से निकल चुके हैं भाई। सही टाइम पर ट्रैवर आ गया, वरना तो हम लोग वहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस सकते थे। फिलहाल अपनी गाड़ी यहाँ फंस चुकी है। हाँ, तो अभी फटाफट गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं कहीं दूर। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं ट्रैवर के साथ इस गाड़ी में बैठकर इसके गांव में पहुँच चुका हूँ और इसने मुझे बोला है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट जगह है जो कि इसे मालूम है, वहाँ पर हम लोग अपना एकदम मस्त छुप सकते हैं और अभी के लिए इन लोगों से बच सकते हैं क्योंकि यार देखो डगन बॉस अगर लॉस सैंटोस आया ना तो वो पूरे शहर में अपने गुंडे लगा देगा हमें ढूंढने के लिए। बट हाँ, ये जगह मेरे को भी लगता है कि थोड़ी बहुत सेफ है, उसको लगेगा भी नहीं कि हम लोग यहाँ पर छुपने के लिए आ सकते हैं। फिलहाल बारिश आप लोग देख ही पा रहे हो, अभी भी नहीं बंद हुई है और ये जगह पर लाया ट्रैवर छुपने के लिए। वैसे हाँ, ये जगह यार सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आज के लिए तो हम लोग अपना यहाँ पर रुक सकते हैं, बाकी एक बारी ना मैं लेस्टर को भी कॉल करूँगा। तो फटाफट भाई, मैं तो अपना गाड़ी से यहीं पर उतर गया हूँ, फटाफट ना गाइस हम लोग एक बारी ऊपर चलते हैं, गन्स वगैरह निकाल लेता हूँ, क्या पता गुंडे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हो और पीछा करते करते वो लोग यहाँ तक पहुँच जाएँ। चुपचाप से ऊपर चलते हैं, मुझे लगता नहीं है कि यार यहाँ पर कोई होगा क्योंकि इस फैक्ट्री में हम लोग पहले भी कई बारी आ चुके हैं। अपनी गन को ना सबसे पहले हम लोग अंदर रख लेते हैं एकदम फुल स्टाइल में। लेट्स गो, अभी चलते हैं अंदर। हाँ, तो ये जगह गाइस अपने लिए सच्ची में काफ़ी ज़्यादा सेफ है। बाकी ट्रैवर ने एकदम सही टाइम पर सही लोकेशन ढूंढ दी भाई, कभी कभार तो ये काम आ ही जाता है। आजकल हम लोग अपने यहीं पर रुक जाते हैं, बेड एकदम मस्त लगा हुआ है, आराम से सोएंगे भाई और टेंशन खत्म करेंगे भाई पूरी की पूरी। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सोकर उठ चुका हूँ। लास्ट नाइट हम लोग इसी छोटे से घर में आकर सो गए थे और ये जगह भी हमें ट्रैवर ने बताई थी क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये जगह ट्रैवर का ऑफिस हुआ करती थी।
मतलब काफी ज्यादा घटिया जगह है, बट हाँ यार अपने काम ये कई बार ही आई है। बाकी यार देखो अभी ना फिलहाल ट्रेवर यहाँ पर सो रहा है और ये कुछ इसने बंदे रखे हुए हैं जो कि यहाँ पर कुछ अजीब सा केमिकल बनाते हैं और उसे बेचते हैं और उससे ट्रेवर अपना पैसा कमाता है। बट हाँ यार उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रेवर अपना सो रहा है। बट अभी ना मैं इस जगह से जाने वाला हूँ, अभी अभी मुझे सोलोमोन का कॉल आया है और वो हमें लॉस सैंटोस बुला रहा है क्योंकि वो जो मूवी लिबर्टी सिटी से बनकर पूरी एडिट होके कंप्लीट होके आनी थी ना गाइस, वो आ चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे लॉस सैंटोस जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। देखो अगर जाएंगे तो भी दिक्कत है, नहीं जाएंगे तो और ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। क्योंकि यार देखो अभी जो अपना शोरूम था ना, जो लिबर्टी वाले फ्रेंड को हमें बाकी बची कुछ पेमेंट करनी थी उसके बाद ही हमें उसके पूरे पेपर्स देता, वो तो अब हमारे हाथ से निकल चुका है। क्योंकि लिबर्टी वाला फ्रेंड मुझे नहीं लगता यार अब कभी भी हमारे ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि यार उसको ऐसा लगता है कि हमने उस बिल्डिंग पे अटैक इसलिए करवाया था ताकि हम लोग उसे मरवा दें। खैर छोड़ो जो भी हो, तो हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि डीलरशिप तो हमारे हाथ से गई वो बड़ी वाली, अब बस यार ये जो मूवी प्रोड्यूसिंग का बिजनेस है ना ये हमारे हाथ से ना जाए, तो मैं बस वो फिल्म लेकर ना वापस आ जाऊँगा बस, मुझे और कोई काम नहीं करना। फिलहाल यहाँ पर एक किसी गाँव के बंदे की गाड़ी खड़ी थी, ये मैंने ले लिया, काफ़ी ज़्यादा घटिया कार है बट हाँ लॉस सैंटोस तक तो पहुंचा ही देगी, इतनी भी बेकार नहीं है यार, चलने में ठीक है। तो हाँ यार जल्दी से ना अभी हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। ओके गाइस तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लॉस सैंटोस की पतली पतली गलियों से भगाता हुआ सोलोमोन रिचार्ड्स के ऑफिस में पहुंचने वाला हूँ। बस सामने की तरफ में ना एक चौड़ा सा रोड और है, उसको अगर मैंने पार कर लिया ना तो सही रहेगा। मतलब यार ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कोई भी डगन बॉस का बंदा ना मुझे देख ना ले इधर। फिलहाल ये थोड़ा सा मेन रोड है, यहाँ से जाने की बजाय हम लोग यहाँ से जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेट्स गो, आगे वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को राइट मुड़ना है और सामने आ चुकी है फिल्म सिटी। ये उसका मेन गेट है बट इस वाले गेट से कोई आता जाता नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे देख लिया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हमें कोई भी खतरा नहीं है। बस पीछे पीछे थोड़ा सा डर था, वैसे भी यार कौन सा पूरे ही शहर में वो चक्कर लगा रहे होंगे चारों तरफ। फिलहाल हाँ अपनी गाड़ी को ना मैं इधर आराम से पार्क कर देता हूँ साइड में और अभी जल्दी से चलते हैं सोलोमोन के ऑफिस में अपनी फिल्म लेने के लिए और किसी और थिएटर में जाकर मूवी देख लेंगे। बाकी हाँ माइकल की फैमिली को मैंने यार अभी कॉल करने की कोशिश करी बट कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। रुक जाओ दूसरी वाली साइड से चलता हूँ, डायरेक्टली हम लोग लिफ्ट से ऊपर चलेंगे सोलोमोन के पास। ओके गाइस गुड टू सी यू स्लिक डेवन, the hell are you doing here? ये यहाँ पे क्या कर रहा भाई? You're doing good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. तो हमने जब इससे मूवी खरीद ली, तो इसका यहाँ पर होने का भी कोई मतलब नहीं है। The negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur. भाई ये यहाँ पर क्या करने आया? पहले तो इसने हमें मूवी नहीं दी। Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, भाई देखो अब हमने इसके लिए गाड़ी चोरी करके इसे गाड़ी दे दी तो वो मूवी अब हमारी हो चुकी है, सोलोमैन उसका डायरेक्टर है, तो इसका यहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं है यार। Tear this relic down and let me redevelop the area for condos. In this economy, the city's gonna let me build. ये कुछ और ही तगड़ा plan करके बैठा हुआ है यार। It is a brilliant thing, and it is all thanks. ये scam कर रहा है भाई हमारे साथ, कोई तो बहुत तगड़ा scam कर रहा है। Insurance policy. Michael, they're fucking us. The suits. And we okay. Don't even wear suits. Wolves. मुझे लग ही रहा है ये कुछ बहुत. Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Okay. People used to like. इसके हाथ में वो जो चीज़ है शायद से वही फिल्म है. Themselves beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But यार ये क्या है भाई? Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture. ये क्या सीन है? Close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. यार ये हमसे फिल्म लेकर जा रहे हैं ऐसे कैसे? Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. कह रही 25 मिनट में उसकी फ्लाइट है. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. भाई ये क्या सीन है यार? My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! भाई साहब इसने पहले हमसे काम करवा लिया, उसके बाद अपनी असिस्टेंट के साथ मिलके इतना तगड़ा प्लान बनाया, वो हमारी मूवी लेकर यहाँ से भाग चुकी है और अभी हमें भी जल्दी से जल्दी ना एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा। लेट्स गो, यहाँ पर एक मस्त सी गाड़ी खड़ी हुई है किसी बंदे की शायद। वेट, अभी फटाफट से ना गाइस यही गाड़ी लेकर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और वो भी शायद से एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। मुझे जल्दी से जल्दी क्या उससे पहले पहुँचना होगा एयरपोर्ट।
क्योंकि अगर वो फ्लाइट में बैठ गई ना तो यार वो फिर निकल जाएगी यार यहाँ से। ओके डेविन का कॉल आ रहा है। You're not thinking. Hey, I'm a producer. ये क्या है? Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. Okay. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film. Police. रुक जाओ यार, भाड़ में जा, इसका फोन काटो, निकल यहाँ से, हमें बात ही नहीं करनी है अभी। जल्दी जल्दी ना, पहले मुझे अपनी ड्राइविंग पे फोकस करना है, क्योंकि अगर मैं इधर उधर हल्का फुल्का भी ठुक गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये वाला रास्ता नहीं, ये वाला रास्ता जाएगा एयरपोर्ट के लिए। मुझे इस वाले घर से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मुड़ना है एंड एकदम सीधा भगाना है अभी। वैसे यार इतनी जल्दी वो भाग कर गई है ना गाड़ी से, ये देखो, मतलब मैं इतनी तेज भगा रहा हूँ तब भी उसके बराबर नहीं पहुँच पाया। इस वाले कट से लेफ्ट होना है, देन पूरा यहाँ से यू टर्न मारना है राइट को, लेट्स को। बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहता हूँ इस टाइम पे मैं, क्योंकि हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। उसका जो भी ड्राइवर है वो बहुत तेज गाड़ी भगाता हुआ ले गया है और हमें भी, भाई मैं भी यार वैसे धीरे नहीं चला रहा हूँ यार, मतलब इस गाड़ी के हिसाब से तो बहुत ही तेज भगा रहा हूँ मैं इस कार को। वेट 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 वेट, बस बच गए, अभी डुब जाती भाई गंदे वाली। फिलहाल हाँ एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ, बस यहाँ पर कुछ गाड़ी, ओके नहीं नहीं ये किसी और की कार है यार, उसकी कार भी यहाँ से ज्यादा आगे। ओके अभी हमें उसकी कार नजर आ गई है, वो देखो मुझे रेड वाली कार आगे जा रही है, शायद से वो उसी की कार है और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। लेट्स गो, अब आएगा मजा, इसको पुलिस भी पकड़ेगी हम भी पकड़ेंगे और पुलिस वाला तुम साइड हो जाओ, इसको मैं देख लूंगा। भाई नहीं देख पाऊंगा, वो बहुत तेज ड्राइव कर रही है यार, पता नहीं वो ड्राइव कर रही है या फिर उसका कोई रेसर ड्राइवर है भाई, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चल रही है यार उसकी गाड़ी, पुलिस वाले तक उसको टच नहीं कर पा रहे। ओ भाई 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 वेट, सामने एक फ्लाइट आई है, शायद ये वाली फ्लाइट इसकी नहीं है, ये फ्लाइट पक्का इसकी नहीं है। ओह ट्रक, ओ तेरी भाई, पेट्रोल पंप का पूरा ट्रक ब्लास्ट हो गया इसके चक्कर में, ये कौन ड्राइव कर रहा है यार इसको। ओके पीछे भी भाई ये मरवाएगी भाई, ये इसने एक और गाड़ी का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट करवा दिया है, से रोकना पड़ेगा, लेफ्ट तो जा रही है ना। वे ओ ओ तेरी भैंस की, इस बंदे को उसने टक्कर मारी, वो बेचारा नीचे आके गिरा, वो मेरी गाड़ी में आके भिड़ गया और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है उसकी गाड़ी कहाँ पर गई है। भाई एक और प्लेन चला दिया क्या इसने यहाँ पे, बुरी बुरी बुरी, जल्दी से अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं। भाई ऊपर से प्लेन आ रहा है, हेलो वेट, गई है ये, गई इसी के ऊपर प्लेन लैंड कर गया। ओ भाई ओ तेरी, रुक जाओ, गई भाई ये वाली गाड़ी, गई पुलिस की वाली गाड़ी भी गई और इसकी गाड़ी बच गई यार। बट हाँ इसको मैं मरने भी नहीं देना, इससे हमें वो फिल्म लेनी है जो कि इसके पास है भाई, उसके लिए हमने भाई क्या क्या नहीं करा, मद्रासों से हम लोग इतनी देर तक पिट लिए भाई, नहीं वो फिल्म मुझे अभी के अभी चाहिए। सामने से एक फ्लाइट और आ रही है, वेट रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ, ये लोग तो गए भाई, एक और पुलिस वाला मर चुका है भाई, ये रेसर थी क्या मौली पिछले जन्म में, क्या ही गाड़ी चला रही है। वेट यहाँ से उसने अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ा है, लेट्स गो, हम लोग भी अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट मोड़ते हैं, अब कहाँ बच के जाएगी, आगे रास्ता बंद तो नहीं है, रास्ता खुला हुआ है पूरी गाड़ी से। यार ये फिल्म लेके भाग गई है अंदर, वेट अभी इसको पकड़ना पड़ेगा मेरे पास, रुक जा, फटाफट से हम लोग ना उसको पकड़ते हैं, मेरे पास वेपन्स भी है, गन मैंने अपनी बाहर निकाल दिया है, वेट तेरी ऐसी की तैसी, रुक जाओ इसे मारना नहीं है, इसको जिंदा पकड़ेंगे। वेट भाई ये प्लेन स्टार्ट हो गया, एक सेकेंड, ओ तेरी, इसका प्लेन स्टार्ट हो गया था और उसके फैन ने इसे पकड़ के खींच के बाहर फेंक दिया है और पूरी की पूरी जगह पर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसका बहुत गलत हाल हुआ है। वेट अपनी फिल्म यहाँ पे पड़ी है एंड पुलिस वाले अपने पीछे पड़ गए बहुत गंदी तरह। वेट इसको भी मैं जल्दी से मारता हूँ, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई अभी जल्दी से जल्दी। वेट यार मैं कहाँ से जाऊँ, एक मिनट, सामने प्लेन है बट अगर पुलिस वालों ने भाई, ओके आई एम रेडी, वेट अपनी M416 में बाहर निकाल लेता हूँ और अभी मैं इन पुलिस वालों को बहुत गंदी तरह मारने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो इस प्लेन को लेकर उड़ के यहाँ से निकल सकता हूँ बट नहीं यार, मुझे ना पहले सोलोमोन के पास पहुँचना होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स गो। उत्तरी भाई सामने से 5-5 पुलिस वाले आ रहे हैं, रुक जाओ यार मैं अपनी गाड़ी को कहाँ से, अबे कौन मार रहा है तेरी ऐसी, निकल यहाँ से, निकल खाली पीली मारने में लगा हुआ, 4 पुलिस वालों की गाड़ी आ गई, लेट्स गो यहीं से बाहर भागते हैं, अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके अलावा, फटाफट अपनी गाड़ी में यहाँ से बाहर। और भाई 2 पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पे और आ गई है, तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इन पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर लिया है क्योंकि यार अपने पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना भाई, यहाँ से भाग के हम लोग क्या ही कर लेंगे। मैंने अपने सारे के सारे वेपन्स भी इन्हें दे दिए हैं और अभी मैं खुद ही इन लोगों की गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा हूँ, ले चलो भाई प्रेजेंट।
क्योंकि अगर हम लोग वो फिल्म लेके यहाँ से भागते हैं तो फिर डैव इन्वेस्टर हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ जाएगा, और अभी वैसे भी अपने पीछे टैगन बॉस और सभी लोग हमें मारने के पीछे पड़े हुए हैं। मिनी मद्रासो भी हमें मारना चाहता है, अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी, एल रूबियो भी अभी हमें नहीं छोड़ेगा सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डिंग अटैक की वजह से। मैं खुद ही आके भाई गाड़ी में बैठ गया हूँ, और अभी पुलिस ऑफिसर भी जो है अपना गाड़ी में बैठने के लिए जा चुका है। ले चलो भाई। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ये भाई साहब जी भी अपनी गाड़ी घुमा के ले आए हैं, एंड अभी ये लोग मुझे लेकर जाने वाले हैं सैन एंड्रियास के प्रिजन में। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग शायद से वहीं पर ही सेफ रहेंगे, ठीक रहेंगे। बट हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है यार माइकल के फैमिली के लिए। यार हमने इतना कुछ करा और वो लोग वापस मिलने आ रहे थे, बट फिर से एक बहुत गलत सीन हो गया। बट अच्छी बात यह है कि उन्हें शायद से इस सीन के बारे में कुछ नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिनी मद्रासो के बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उन्हें भी बाद में किडनैप कर लिया हो? नहीं यार, ऐसा नहीं करेगा वो जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हाँ, अभी आप लोग ये देख पा रहे हो उन्होंने मुझे कैसे गाड़ी में बैठा रखा है। चार चार पुलिस ऑफिसर मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे हुए हैं, सॉरी तीन पुलिस ऑफिसर, बाकी एक इनका जो पूरा ट्रक है वो आगे चल रहा है और एक ट्रक मेरे पीछे पीछे चल रहा है। वैसे भी मैं भागने नहीं वाला। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रिजन में, और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितने टाइम तक इस चार दीवारी में बंद रहने वाला हूँ। चलो कोई नहीं, जो भी हो हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट सेफ तो रह पाएंगे, और जब माहौल एकदम ठीक हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा ना, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इन पुलिस वालों को देखो कैसे चला रहे हैं गाड़ी, इससे बढ़िया तो मेरे को ड्राइव करने देते। बट हाँ यार, जो भी हो, ये बिल्कुल भी मजाक का टाइम नहीं है। काश यार बस ये बात लेस्टर को पता चल गई होती कि इस टाइम पर हम लोग प्रिजन पहुँच चुके हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें बाहर निकलना हो तो किसी ना किसी तरीके से वो हम उससे कॉन्टैक्ट कर पाएँ और वो हमें निकाल पाए। बट हाँ, जो भी है ठीक है, लेस्टर थोड़े टाइम में पता कर ही लेगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है लेस्टर पे। फिलहाल अभी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं और वो अभी मुझे आ रहा है पकड़ने के लिए। ठीक है ऑफिसर, तेरे को मुझे पकड़ने आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अभी जेल में जाना चाहता हूँ, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लो सर, मैं लो बाहर आ रहा हूँ, मैं खुद ही बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से चलते हैं भाई अंदर जेल में। पहला कैदी होगा, ये लोग भी कह रहे होंगे, जो खुद से ही फुल चोड़ में जेल में जाने के लिए आ गया है। बट हाँ यार, जो भी हो, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है भाई आज के दिन चल चल के। भाई साहब, मैं सोच रहा था एकदम मूवी वूवी प्रोड्यूस होगी, बट यार ये पता नहीं क्या ही हो गया है। फिलहाल अभी हमारा नाम वाम लिखा जाएगा और अभी पता चलेगा कितने टाइम की जेल हमें यहाँ पे होने वाली है। तो ओके गाइस यार, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.2 मिलियन लाइक्स का, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, और जितनी जल्दी लाइक गोल कंप्लीट होगा उतनी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा GTA 5 सीरीज का। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मेरे से बात करने के लिए आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।